भी बदली। सर वो इसी में सामने रखी की ओर जान से देखिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और जिन्हें हम आज याद करते हैं, उस पात्र करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Thank you.
सभी छात्रों को और शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को, सबको अपनी ओर से और पूरे मैनेजमेंट की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ।
अग्रवाल जी का, प्रबंध समिति के प्रबंधक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी का, हमारे स्कूल के पूर्व प्रबंधक एवं सम्मानित सदस्य श्री प्रेम कुमार अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वह आज इस पावन अवसर पर स्कूल में आए थे। उन्होंने हमारे विद्यार्थियों का, हमारे टीचर्स का उत्साहवर्धन किया और इस कार्यक्रम में मेरे भागीदार सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल श्री भरत पांडल जी का भी अभिनंदन करते हैं कि वो यहाँ हैं और इस समय हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। मैं कभी सोचती हूँ कि हमारे स्कूल ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत कहाँ की थी, कैसे की थी। आज हमारे बीच कौशल बाबू जी नहीं हैं। मैं देखती हूँ कि 2004 में ये स्कूल केवल 34 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया गया था और आज अलग अलग प्रबंधकों के संरक्षण, मार्गदर्शन और उनके भागीदार प्रयासों के कारण आज हमारे स्कूल की संख्या करीब कोई 1430 हो चुकी है। तो मैं मानकर सचिव हूँ कि कितने लोगों ने कितने हाथों की मेहनत है और जिसमें सबसे बड़े जो योगदान रखे हुए उनकी मूर्ति हमारे सामने बैठी हुई है। जो मशाल जलाई गई थी वो आज भी रोशन है और हमारे वर्तमान प्रबंधक महोदय श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी के हाथों में हरी फांसी सुरक्षित है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी जो अभिभावक हम पर, जो पेरेंट्स हम पर विश्वास करते हैं, जो भरोसा करते हैं कि इस स्कूल में उन्हें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वो विश्वास को बनाए रखें, वो उम्मीद कभी ना टूटे। और जिस तरह से हमने फरीदपुर के लोग हैं, निवासी हैं, उनके दिलों पर जिस तरीके से हमने राज कर रखा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे प्रबंधक महोदयों का बहुत बड़ा हाथ है। हम सभी उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इस मकान को यहाँ तक पहुँचाया है, ये यात्रा पहुँची है। मैं अपना सारा उन्हें वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और आज वो यहाँ हम सबके बीच आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज उन्होंने दिया है। तो हम सभी हम
Thank you.
प्लीज मेंटेन साइलेंस। अकमल फ्रॉम सिक्स वोटर्स, अकमल फ्रॉम सिक्स वोटर्स स्टैंड अप। आपके पेरेंट्स हैं पीछे वाले से। Thank you.
बच गई थी ये चिंगारी, जिस चिंगारी की आग इंग्लैंड तक जा पहुंची। 18 वर्ष का एक मासूम जिसने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, अंग्रेजी सरकार की क्रूरता को देखा और फिर उसने निर्णय लिया कि वो अंग्रेजी सरकार से अपना बदला अवश्य लेगा। नहीं बचा होगा। हा 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 हा।
बहुत ही काबिल अफसर का मेडल दिया है, इसको तो फांसी ही होनी चाहिए। इससे प्रूफ होता है कि तुमने हमारे बड़े ही काबिल अफसर का मेडल दिया है, तुम्हें अपनी सफा में कुछ कहना है? नहीं दस्ता, मुझे अपनी सफा में कुछ नहीं कहना, मैंने तो अपना इंतकाम ले लिया। तुम भाग क्यों रहे हो? अपन भाग क्यों नहीं? हम भारतवासी हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम देश के लिए मर मिटने वाले लोगों में से हैं। हमने दुश्मन को कभी पीठ दिखाने नहीं दिया। और वकील साहब, अब काबिल अफसर किसको कह रहे थे? क्या नियंत्र निर्दोष लोगों की प्रोफेसर कर देना काबिलियत है? जी, हमारी नजर में ऐसे लोग हत्यारे होते हत्यारे। तो साहब, इसकी आकार भी देखिए, उसको तो फांसी ही होनी चाहिए। वकील साहब, फांसी की जब बात करते हैं, मैंने तो पहले ही सर पर कफन बांध लिया था। मुझे स्वर्ग की फांसी दे दो। तुम मुझे फांसी दोगे पर मेरे भारत देश में न जाने कितने उद्यम पैदा हो जाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर, तभी समूह और गवाहों के वादे ले रखी हुई है अदालत। अपराधी उधम सिंह को फांसी सजा सुनाती है। Thank you.
एक
Oh.
Thank you.
पढ़ाई
कौन कौन से नहीं आई है? मैं और सिक्सटी। वो भी याद आई थी। आप लोग हमेशा ऐसे करते हो, पता नहीं कब लाने दोगे। पापा लगता है कोई नहीं फरमाइश होगी। मम्मी आप तो मानते रहो।
कोशिश करते हैं। तुम्हारी बहन का विवाह भी करना है तो इस बारे में तो सोचो। पापा बोलो तुम नहीं बता। अरे अभी तुम पढ़ लिख रहे हो, जब बड़े हो जाना तभी लेना। अभी तो मेरी सौ करने की उम्र है, कल को तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। पापा मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। देखो अगर मुझे आईफोन नहीं मिला तो मैं अपनी किडनी बेच के आईफोन ले लूंगा। ऐसी बातें नहीं करते। आप मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या ही बताओ डॉक्टर साहब, इन्होंने तो अपने बच्चों के लिए अपनी किडनी भी बेच दी है। क्या किडनी? उनके सब पालते हैं, उनके शौक भी पूरे करते हैं, पर तुम्हारी तरह कोई नहीं करता। पहले तुमने अपना खून बेचा और अब किडनी। अब मुझे बता कि कब तक चला पाओगे अपने शरीर को? जब शरीर ही ईश्वर की सबसे बड़ी नियामत है, इस बात को कब समझोगे? बात तो सही है। चलो डॉक्टर साहब फिर चलते हैं। Thank you.
Thank you.
in the hands of the masses, the power to choose our own government. My dear students, you are the future of our great nation, and I strongly believe you shall become responsible citizens and help our country become Jagatguru once again, as in the dream of our honorable Prime Minister. Now I am going to end up my speech with these words. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. इतिहास है, इस भूमि पर हर जीव धर्म का वास है. आप मिलकर संप्रभुता का पर्व मनाए, गणतंत्र जनजन का अटूट विश्वास है. जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो. हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो. आत्मान शान देश की, देश की हम संतान हैं. तीन रंगों से लगा तिरंगा हमारी अपनी यही पहचान है. अनेकता में एकता ही मेरी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है. क्या तुम्हें नटखट बच्चे डांस करते देखकर कृष्णा बोलती हो? Thank you.
very good afternoon to all my body teachers, my dear students. A very happy Republic Day. On this occasion, first of all, I would like to congratulate our back stage teachers, our activity teachers who trained participants very well and they showed their performance as well as talent very finely over here. On this day, I just want to say one more thing. You all try to make yourself only to yourself. अगर केवल अपने आप को भी आप अच्छा बना लेंगे तो आपने समाज को अच्छा बना लिया। तो मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी मेहनत करें और अपने आप को अच्छा बनाएं। आप सभी अपने आप को एक ब्रिक के समान समझें। अपने मकान देखा वहां पर ईंट लगती है, अगर सभी मजबूत ईंटें होंगी तो मकान अच्छा बनेगा। तो हमारा देश एक भवन है जिसके हम सब निवासी हैं। हम सभी मेहनत करें, अब जिस फील्ड पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं मेहनत कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी और शिक्षक वर्ग से यह आग्रह करूंगा कि आप सभी अपना स्वीट कलेक्ट करके लें प्रिंसिपल ऑफिस से, ठीक है, उसके बाद ही घर पे जाएं। Your school will be as usual, temperatures are same.